गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम भूरिया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 VLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BEd फर्स्ट ईयर अनुशासन एवं विषय बोध, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है अनुशासनिक ज्ञान की प्रकृति। अनुशासनिक ज्ञान की प्रकृति, इससे पिछले वीडियो में हमने अनुशासनिक ज्ञान क्या है तथा इसका अर्थ और परिभाषा की जानकारी प्राप्त की थी। आज हम अनुशासनिक ज्ञान की प्रकृति क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि शैक्षिक अनुशासनिक ज्ञान के अंतर्गत उन नियमों, सिद्धांतों एवं परंपराओं का समावेश किया जाता है जो विभिन्न विषयों के सहसंबंध उपयोगिता, प्रासंगिकता एवं समग्रता आदि का बोध कराते हैं। तो इन नियमों एवं सिद्धांतों के समूह को ही अनुशासनिक ज्ञान का नाम दिया गया है। शैक्षिक अनुशासनिक ज्ञान के अंतर्गत उन नियमों एवं सिद्धांतों, परंपराओं का समावेश किया जाता है जो विभिन्न विषयों के सहसंबंध, उपयोगिता, प्रासंगिकता एवं समग्रता का बोध कराते हों। तो इन नियमों एवं सिद्धांतों के समूह को ही अनुशासनिक ज्ञान का नाम दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक अनुशासनिक ज्ञान की प्रकृति क्या है। तो अनुशासनिक ज्ञान के संबंधी विचारों का जो विश्लेषण और संश्लेषण करने पर ही इसकी प्रकृति और इसमें निहित विशेषताओं को स्पष्ट किया जा सकता है। तो अनुशासनिक ज्ञान की प्रकृति के अंतर्गत पहली हेडिंग है अनुशासनिक ज्ञान एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में अनुशासनिक ज्ञान एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में है। तो अनुशासनिक ज्ञान को एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है क्योंकि इसमें प्रत्येक क्षेत्र संबंधी विषयों, नियमों एवं की जानकारी प्राप्त की जाती है और इसकी समीक्षा की जाती है। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में इससे शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं, विषय की पाठ्यचर्या क्रियाएं एवं विषयों के सहसंबंध आदि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। एक ही बार अध्ययन करते हुए शिक्षण व्यवस्था को एक सर्वोत्तम रूप प्रदान किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत विषय अध्यापक को अपने विषय के साथ साथ अन्य विषयों की जानकारी होनी चाहिए। सहसंबंधता के आधार पर ही छात्रों को ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए क्योंकि एक विषय के अंतर्गत जो उसका संबंध है अन्य विषयों के साथ भी होता है। यही कारण है कि एक विषय अध्यापक को अपने विषय के साथ साथ
अन्य विषयों की सामान्य जानकारी भी रखनी चाहिए। तत्कालीन घटनाओं के बारे में भी एक विषय अध्यापक को ज्ञान होना चाहिए। नवीन शिक्षण विधियों के माध्यम से कक्षा में अध्ययन करवाया जाए, इसके लिए नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी एक अध्यापक को होनी चाहिए। साथ साथ कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करने के लिए समय समय पर पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की भी व्यवस्था विद्यालय स्तर पर होनी चाहिए, ताकि छात्रों का अधिगम में रुचि बनी रहे तथा वह अनुशासन में रहकर अपना अध्ययन कार्य पूरा कर पाए। तो यही कारण है कि अनुशासनिक जो ज्ञान है वह एक व्यापक प्रक्रिया है, अर्थात इसके अंतर्गत सहसमता के आधार पर छात्रों को ज्ञान प्रदान किया जाता है तथा नवीन शिक्षण विधियों के माध्यम से अध्ययन कार्य को सरल बनाया जाता है। समय समय पर पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था विद्यालय स्तर पर की जाती है, ताकि छात्र अधिगम में रुचि ले पाएं। तो यही कारण है कि अनुशासनिक ज्ञान जो है एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में इसको प्रदर्शित किया गया है। दूसरा है अनुशासनिक ज्ञान एक सहसंबंध प्रक्रिया के रूप में। अनुशासनिक ज्ञान जो कि एक सहसंबंध प्रक्रिया के रूप में भी इसे स्पष्ट किया गया है। तो अनुशासनिक ज्ञान के अंतर्गत प्रत्येक विषय का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध स्थापित किया जाता है, और इस सहसंबंध के आधार पर ही उन विषयों को एक वर्ग में रख लिया जाता है, जैसे कि विज्ञान, गणित, कंप्यूटर आदि विषयों को एक साथ रखा जाता है तथा इन विषयों को विज्ञान विषय से संबंधित माना जाता है। इसी प्रकार से अनेक विषयों को सहसंबंधता के आधार पर विविध वर्गों में विभाजित कर लिया जाता है, जैसे कि कला वर्ग के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान आदि विषय सम्मिलित किए जाते हैं, और सहसंबंधता के आधार पर छात्रों को अधिगम करवाया जाता है। तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इस प्रकार विविध विषयों के द्वारा छात्रों को अनुशासनिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। यही कारण है कि अनुशासनिक ज्ञान एक सहसंबंध प्रक्रिया के रूप में है, अर्थात एक विषय का अन्य विषयों के साथ सहसंबंधता रखते हुए कक्षा कक्ष में छात्रों को अधिगम कार्य करवाया जाता है। नेक्स्ट है अनुशासनिक ज्ञान एक संश्लेषण की प्रक्रिया के रूप में। अनुशासनिक ज्ञान एक संश्लेषण की प्रक्रिया के रूप में राष्ट्रीय ज्ञान एक संश्लेषण की प्रक्रिया के रूप में राष्ट्रीय ज्ञान एक संश्लेषण की प्रक्रिया के रूप में भी इसे व्यक्त किया जाता है। अनुशासनिक ज्ञान के आधार पर ही विभिन्न विषयों के अनुशासनिक ज्ञान के आधार पर ही विभिन्न विषयों के नियमों एवं सिद्धांतों के लिए संश्लेषण की प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है, जैसे कि गणितीय संख्यीय गुणा, भाग, जोड़, घटाव आदि का प्रयोग भौतिक विज्ञान में किया जाता है। अतः यह मान लिया जाता है कि भौतिक विज्ञान के ज्ञान के लिए गणित का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है।
इस प्रकार सामाजिक अध्ययन के लिए एक विषय अध्यापक को इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार के नियमों एवं सिद्धांतों की संश्लेषण की जो प्रक्रिया के द्वारा ही हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के नियम एवं सिद्धांत विश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही विषय अध्यापक प्राप्त कर सकता है। अतः अनुशासनिक ज्ञान एक संश्लेषण की प्रक्रिया के रूप में भी इसे स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है अनुशासनिक ज्ञान एक विश्लेषण की प्रक्रिया के रूप में। अनुशासनिक ज्ञान एक विश्लेषण की प्रक्रिया के रूप में विश्लेषण की प्रक्रिया के रूप में अनुशासनिक ज्ञान एक विश्लेषण की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे कि छात्रों के लिए पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के समूह का जब निर्धारण किया जाता है तो इन पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की छात्रों के लिए उपयोगिता पर भी विचार विमर्श किया जाता है। अर्थात एक विद्यालय स्तर पर जब पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है तो इसकी उपयोगिता के बारे में सर्वप्रथम विचार किया जाता है। इसके लिए छात्रों के आयु के वर्ग के अनुरूप ही पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का चुनाव किया जाता है। अर्थात पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं इस प्रकार से हों कि छात्रों की आयु, योग्यता, रुचि, स्तर का ध्यान रखा जाए, उसी के अनुरूप ही इंडोर गेम और आउटडोर गेम की जो व्यवस्था की जानी चाहिए। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास हो इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इस प्रकार पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का विश्लेषण करके ही इसका छात्रों के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसे अनुशासनिक ज्ञान का एक प्रमुख अंग माना जाता है। तो इस प्रकार विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करने से पूर्व इस पर विचार विमर्श किया जाता है और फिर छात्रों की आयु, योग्यता, स्तर, रुचि को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है ताकि एक अनुशासनिक व्यवस्था स्थापित रहे, छात्रों का भी सर्वांगीण विकास किया जा सके। नेक्स्ट है अनुशासनिक ज्ञान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में। अनुशासनिक ज्ञान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में अनुशासनिक ज्ञान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में अनुशासनिक ज्ञान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में भी है। इसमें प्रत्येक शैक्षिक नियम एवं सिद्धांतों की परीक्षा के बाद ही उसका वर्ग, स्वरूप एवं स्थान निश्चित किया जाता है। इतिहास, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरणीय ज्ञान की जब परीक्षा की गई तो इन तीनों ही विषयों में एक घनिष्ठ संबंध देखा गया और फिर इनको सामाजिक अध्ययन विषय के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसी प्रकार से प्रत्येक शैक्षिक क्षेत्र में प्रयोग एवं प्रशिक्षण का सहारा लिया जाता है। प्रत्येक शैक्षिक क्षेत्र में प्रयोग एवं परीक्षण का सहारा लिया जाता है। यह दोनों ही विशेषताएं विज्ञान की मानी गई हैं। अतः अनुशासनिक ज्ञान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में भी है। नेक्स्ट है अनुशासनिक ज्ञान बहुवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में।
प्रशासनिक ज्ञान बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में प्रशासनिक ज्ञान एक बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। अनुशासनिक ज्ञान जो कि एक बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में है तथा इसके अंतर्गत विभिन्न उपागमों को सम्मिलित किया जाता है, जैसा कि अंत अनुशासनिक उपागम, परागमन अनुशासनिक उपागम एवं वर्ण संकर अनुशासनिक उपागम आदि को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इन सभी उपागमों के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को उपयोगी एवं सर्वोत्तम रूप प्रदान किया जाता है। इस प्रकार जैसे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सर्वोत्तम रूप उत्पन्न करने के लिए उसके बाह्य पक्ष अंतः पक्ष पर उपलब्ध व्यवस्थाओं पर विचार किया जाता है, इन सभी के सहसंबंध के आधार पर ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। यही कारण है कि अनुशासनिक ज्ञान एक बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में है, अर्थात इसके अंतर्गत विभिन्न उपागमों आदि को सम्मिलित किया जाता है। शैक्षिक समस्याओं पर विचार प्रस्तुत कर इसका समाधान प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है अनुशासनिक ज्ञान एक क्रमबद्ध की प्रक्रिया के रूप में। अनुशासनिक ज्ञान एक क्रमबद्ध की प्रक्रिया के रूप में। अनुशासनिक ज्ञान एक क्रमबद्ध की प्रक्रिया के रूप में। क्रमबद्ध की प्रक्रिया के रूप में। अनुशासनिक ज्ञान एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में भी इसे स्वीकार किया गया है। तो अनुशासनिक ज्ञान के अंतर्गत प्रत्येक विषय को उसकी समानता एवं असमानता के आधार पर क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जैसा कि प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए विज्ञान जो है उसकी परिवेशीय वस्तुएं एवं परिवेशीय घटनाएं होती हैं। अनुशासनिक प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक विषय को उसकी समानता एवं असमानता के आधार पर क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जैसा कि प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए विज्ञान उसकी परिवेशीय वस्तुएं एवं परिवेशीय घटनाएं होती हैं। इसके लिए विज्ञान विषय को कक्षा 3 तक पृथक रूप से मान्यता प्रदान नहीं की जाती है, इसके बाद उसे एक पृथक विषय के रूप में अर्थात विज्ञान विषय के रूप में इसको मान्यता प्रदान की जाती है। इसी क्रम में गणित को भी विज्ञान विषय का ही एक अंग माना जाता है। इस प्रकार अनुशासनिक ज्ञान के अंतर्गत प्रत्येक विषय को क्रमबद्ध रूप में उसकी आवश्यकता के अनुरूप प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार अनुशासनिक ज्ञान के अंतर्गत प्रत्येक विषय को क्रमबद्ध रूप में उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार अनुशासनिक ज्ञान एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में भी इसे स्वीकार किया गया है। आइए संक्षेप में एक बार फिर से देख लेते हैं अनुशासनिक ज्ञान की प्रगति। तो अनुशासनिक ज्ञान एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में रहा है, अर्थात इसमें प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित नियमों एवं सिद्धांतों की परीक्षा की जाती है और फिर इसके पश्चात ही छात्रों को ज्ञान उपलब्ध करवाया जाता है।
जैसा कि शिक्षा के क्षेत्र में नवीन शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाओं आदि की व्यवस्था की जाती है ताकि छात्र अधिगम में रुचि ले पाए। इसी प्रकार अनुशासन ज्ञान एक सहज समानता की प्रक्रिया के रूप में है, अतः इसके अंतर्गत विद्यालय स्तर पर कक्षा कक्ष में एक शिक्षक के द्वारा छात्रों को सहज समानता के आधार पर अपने विषय की जानकारी प्रदान की जाती है। यही कारण है कि विषय अध्यापक को अपने विषय के साथ साथ अन्य विषयों की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तत्कालीन घटनाओं का उसे ज्ञान होना चाहिए ताकि कक्षा कक्ष में छात्रों को सरल अधिगम करवाया जा सके, छात्रों की जिज्ञासा को शांत किया जा सके, जिससे कि कक्षा कक्ष में अनुशासन व्यवस्था कायम हो। इसी प्रकार अनुशासनी ज्ञान एक संश्लेषण की प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार किया गया है। जैसा कि गणितीय संक्रिय गुणा, घटाव, भाग आदि का भौतिक विज्ञान में प्रयोग किया जाता है, अतः यह मान लिया जाता है कि भौतिक विज्ञान के लिए गणित का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार से सामाजिक अध्ययन के लिए एक शिक्षक को भूगोल, नागरिक शास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र आदि विषयों का ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार नियम एवं सिद्धांत संश्लेषण की जो प्रक्रिया के द्वारा ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार अनुशासनी ज्ञान एक विश्लेषण की प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार किया गया है। जैसा कि छात्रों के लिए जब भी विद्यालय स्तर पाठ्यक्रम से गामी क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है तो छात्रों की योग्यता, आयु, वर्ग, स्तर को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम से गामी क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है ताकि विद्यालय स्तर पर अनुशासन कायम रहे तथा सभी वर्ग आयु के जो छात्र हैं इन पाठ्यक्रम से गामी क्रियाओं में भाग ले सके। इसी प्रकार अनुशासनी ज्ञान जो है एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार किया गया है। इसमें प्रत्येक शैक्षिक नियम एवं सिद्धांतों की परीक्षा करने के बाद ही उसका वर्ग, स्वरूप और स्थान निश्चित किया जाता है। इतिहास, नागरिक शास्त्र, पर्यावरणीय ज्ञान की जब परीक्षा की गई तो इन तीनों विषयों में एक गहरा संबंध पाया गया था, अतः इनको सामाजिक अध्ययन विषय के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसी प्रकार प्रत्येक शैक्षिक क्षेत्र में प्रयोग एवं परीक्षण का सहारा लिया जाता है, अतः अनुशासनी ज्ञान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार अनुशासनी ज्ञान एक बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में है, अर्थात इसके अंतर्गत विभिन्न उपागमों का सहारा लिया जाता है, जैसे कि अंत अनुशासनात्मक उपागम तथा अन्य उपागम इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इन सभी उपागमों के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था को एक सर्वोत्तम रूप प्रदान किया जाता है। जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सर्वोत्तम रूप संपन्न करने के लिए उसके बाह्य पक्ष एवं अंतः पक्ष उपलब्ध व्यवस्थाओं पर विचार किया जाता है। इन सभी के सहसमानता के आधार पर ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जाता है और इसे प्रभावी रूप से संपन्न करने की व्यवस्था की जाती है ताकि विद्यालय स्तर पर अनुशासनी व्यवस्था कायम रहे। इसी प्रकार अनुशासनी ज्ञान एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। तो अनुशासनिक प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक विषय को उसकी समानता और असमानता के आधार पर क्रमबद्ध रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए जो विज्ञान विषय है, विज्ञान जो है उसकी परिवेशीय वस्तुएं और परिवेशीय घटना ही मानी जाती है, अतः कक्षा 3 तक विज्ञान विषय को एक पृथक रूप में मान्यता प्रदान नहीं की जाती, अतः इसे विज्ञान
इसके बाद उसे एक प्रत्यक्ष विषय के रूप में विज्ञान को मान्यता मिलती है। इसी क्रम में गणित को भी विज्ञान विषय का ही अंग माना जाता है। इस प्रकार अनुशासनिक ज्ञान के अंतर्गत प्रत्येक विषय को क्रमबद्ध रूप में उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही प्रस्तुत किया जाना है, जिससे कि विद्यालय स्तर पर अनुशासनिक व्यवस्था कायम रहती है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर से हाजिर होंगे अनुशासनिक ज्ञान की प्रकृति के जो नेक्स्ट हेडिंग्स हैं उसको लेकर जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।